हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में आई हैं जिन्हें देखते हुए आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। इन फिल्मों को आप कल्ट कहते हैं, क्लासिक कहते हैं, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि आज कल्ट क्लासिक कही जाने वाली कई ऐसी फिल्में हैं जो रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। आज के रील रिवाइंड में हम बात करेंगे ऐसी ही 10 फिल्मों के बारे में, मगर उससे पहले अगर आपने नहीं किया है रील रिवाइंड को सब्सक्राइब तो अभी कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रील रिवाइंड और मैं हूँ फरहा। अंदाज अपना अपना। राजकुमार संतोषी की कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना आज भी दर्शकों को गुदगुदाने में कामयाब रहती है। यह अकेली फिल्म है जिसमें आमिर खान और सलमान खान साथ में नजर आए थे। आज ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि आमिर और सलमान साथ में किसी फिल्म में लीड रोल्स में नजर आए और फिल्म फ्लॉप हो जाए, मगर 4 नवंबर 1994 को रिलीज अमर और प्रेम की कहानी बताती अंदाज अपना अपना एक फ्लॉप फिल्म है। हालांकि आमिर सलमान के बीच नोकझोंक ने दर्शकों के दिल में जगह बना ली और जैसे जैसे वक्त गुजरा अंदाज अपना अपना कल्ट बन गई। IMDb की टॉप 100 फिल्मों में अंदाज अपना अपना 12वें स्थान पर है। अग्निपथ। विजय दीनानाथ चौहान अग्निपथ का ये किरदार अमिताभ बच्चन की यादगार भूमिकाओं में शामिल है, खासकर उनके बोलने का अंदाज। कहा गया कि अमिताभ बच्चन ने द गॉड फादर के मार्लो ब्रांडो को फॉलो किया था। फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली फ्लॉप रही थी, मगर जब बिग बी को इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला तो अग्निपथ को लेकर राय बदल गई। मिथुन चक्रवर्ती को भी इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मजेदार बात यह है कि करण जौहर ने जब ऋतिक रोशन को लेकर 1990 की इस फिल्म को रीमेक किया तो फिल्म इंस्टेंट हिट रही। हालांकि उस फिल्म की कहानी इस फिल्म से थोड़ी अलग थी। दिल से। शाहरुख खान की करियर की कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कहानी और फिल्म मेकिंग के हिसाब से क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में आती हैं। इन्हीं फिल्मों में शामिल है दिल से। मणिरत्नम निर्देशित 1998 की फिल्म आज हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में शुमार है। दिल से प्रीति जिंटा के डेब्यू, AR रहमान के संगीत और शाहरुख की जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। ट्रेन की छत पर छैयां छैयां करते हुए शाहरुख और मलाइका की छवि दिल से लेकर दिमाग तक बसी हुई है, मगर फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। मनीषा कोइराला ने फीमेल लीड रोल निभाया था इस फिल्म में और इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। स्वदेश। शाहरुख की एक और फिल्म स्वदेश उनके करियर की चंद यादगार फिल्मों में शामिल है। आशुतोष गोवारिकर निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख खान ने नासा के प्रोजेक्ट लीडर का किरदार निभाया था, जो भारत के एक गांव की तकदीर बदलने के लिए नासा की नौकरी छोड़ देता है। सच्ची कहानी पर बनी ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म में गायत्री जोशी ने फीमेल लीड रोल निभाया था। गायत्री की ये अकेली स्क्रीन प्रेजेंस है। स्वदेश भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भले ही ज्यादा न चली हो, मगर विदेशों में इसे पसंद किया गया और वक्त के साथ ये हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में शामिल हो गई। इस फिल्म के लिए शाहरुख को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और उदित नारायण को बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला था। शान। 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्हें क्लासिक फिल्मों की लिस्ट में शामिल माना जाता है। इन्हीं में से एक फिल्म है शान। इस मल्टी स्टारर में अमिताभ के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर ने लीड रोल्स निभाए थे, जबकि कुलभूषण खरबंदा ने शाकाल का निगेटिव रोल निभाया था, जो जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों के एक विलन ब्रोफेल्ड पर आधारित था। एक हिट मसाला फिल्म के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हुए भी शान बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। सलीम जावेद की लिखी इस फिल्म को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने इससे पहले शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। ये फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी। हालांकि दोबारा रिलीज होने पर इस फिल्म को अच्छी खासी सक्सेस मिली। जाने भी दो यारो। 80 के दशक में जब सिनेमा की दुनिया एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द रहती थी, एक सटायर फिल्म जाने भी दो यारों ने सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दी। सिस्टम के करप्शन पर गहरी चोट करने वाली इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, रवि वासवानी, पंकज कपूर, ओम पुरी और सतीश शाह ने मुख्य किरदार निभाए थे। आज ये कॉमेडी फिल्म भले ही आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हो, मगर 1983 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तब सिनेमाघरों में इसे दर्शक नहीं मिले थे। कुंदन शाह निर्देशित जाने भी दो यारों की टाइमलेस कहानी और अदाकारी की वजह से ये फिल्म आज भी पसंद की जाती है। इंटरनेट मूवी डाटाबेस की रेटिंग के अनुसार टॉप 100 बॉलीवुड मूवीज में जाने भी दो यारों 33वें स्थान पर है। उमराव जान। 1981 की फिल्म उमराव जान का नाम लीजिए और जहन में कयाम साहब से लेकर इन आंखों की मस्ती के मस्ताने गाती रेखा की खूबसूरत तस्वीर तैरने लगती है। मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा के नॉवल पर बनी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मुजफ्फर अली ने। लखनऊ की नर्तकी की इस दुखद कहानी के चाहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर सिनेमाघरों में इसे देखने बार बार जाने वाले ज्यादा नहीं थे। नतीजतन फिल्म चली नहीं और उमराव जान कल्ट फिल्म तो बन गई, मगर बॉक्स ऑफिस के इतिहास में अपना नाम ना दर्ज करवा सकी।
की, मगर रेखा को इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का, खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का, आशा भोसले को बेस्ट सिंगर का और मंजूर साहब को बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड इस फिल्म के लिए जरूर मिला, जबकि मुजफ्फर अली को फिल्म फेयर से नवाजा गया। इत्तेफाक से इसका रीमेक 2006 में इसी नाम से आया, जो कि फ्लॉप रहा। मेरा नाम जोकर। शोमैन राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर को आज हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है, मगर सन 70 में रिलीज हुई ये फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप रही कि राज कपूर की माली हालत काफी खराब हो गई थी, जिसे बाद में सुधारने के लिए बॉबी फिल्म में राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया, क्योंकि वो किसी बड़े एक्टर को नहीं ले सकते थे, मगर इसकी सिनेमेटिक वैल्यू की वजह से ये फिल्म कल्ट क्लासिक मानी जाती है। शोले। ये नाम लेते ही आपके जहन में जयवीरू, बसंती, गब्बर, ठाकुर और ब्लॉकबस्टर जैसे अल्फाज गूंजने लगते हैं, मगर क्या आपको पता है कि रिलीज के 2 हफ्तों तक ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसे देखने के लिए दर्शक सिनेमा घरों तक नहीं पहुंचे। नौबत ये आ गई कि निर्देशक रमेश सिप्पी फिल्म का क्लाइमेक्स बदलने की सोचने लगे। उन्हें लगा कि जय की मौत का सदमा दर्शक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लिहाजा सिनेमा हॉल से दूर हैं। फिल्म की खराब मार्केटिंग और नकारात्मक रिव्यूज ने भी दर्शकों को इससे दूर रखा। फिर इसकी रेमेडी खोजी गई और शोले के संवादों वाला ऑडियो रिलीज किया गया। ये स्ट्रेटजी काम कर गई और बॉक्स ऑफिस पर शोले ऐसे भड़के कि आज भी उसकी आँच महसूस की जा सकती है। शोले हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म होने के साथ साथ ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी शामिल है। कागज के फूल। हिंदी सिनेमा की नींव जिन फिल्म मेकर्स ने मजबूत की है, उनमें गुरुदत्त का नाम भी आता है। गोल्डन एरा में उनकी फिल्मों को मास्टरपीस कहा जाता था। 1959 में आई कागज के फूल हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म और मीडिया संस्थानों में फिल्म खास तौर पर दिखाई जाती है। संयोग देखिए, कागज के फूल एक निर्देशक के बनने, बुलंदी पर पहुंचने और गिरने की कहानी है। रिलीज के समय ये फिल्म बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, मगर इस फिल्म का जिक्र किए बिना भारतीय सिनेमा की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। उस दौर में दर्शकों द्वारा नकारी गई इस फिल्म को आज कल्ट और क्लासिक माना जाता है। आज के रियल रिवाइंड में बस इतना ही। इन कल्ट क्लासिक मूवीज में आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और रियल रिवाइंड को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Real Rewind.